अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी, फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। और जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में बताया था कि कुछ सूट्स अभी भी रह गए हैं दिखाने वाले, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जी, आज मैं आपको दिखा रही हूँ, और अगेन ये भी सना सफीनाज से ही हैं सूट्स, ठीक है। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कुछ मे भी इस वीडियो में आपको मैं माहे के भी दिखा रही हूँ, और शायद मैं मसलिन के भी एक दो शायद ऐड कर दूँ, ठीक है। और ड्रेस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टिच होकर आ गए हैं, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ये टू पीस है जी, ठीक है। और इसकी नेकलाइन कुछ इस तरह से है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये देखें, इस तरह लेस की डिटेलिंग्स है, पर्ल्स हैं, और एक्चुअली जिस तरह से मॉडल ने पहना हुआ था ये वैसे ही स्टिच हुआ हुआ है। और ये बटन्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे, बहुत क्यूट, ये देखें। अच्छा, और ये सारी प्लस इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयड्री है, पैच एम्ब्रॉयड्री का लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और जी, प्रिंट भी बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका, ऑरेंज सा। एंड ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स की डिटेलिंग्स कुछ इस तरह से हैं, और मुझे ये बहुत पसंद आती हैं इस तरह की डिटेलिंग्स। अच्छा, स्लीव्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की रख सकते हैं, किसी की चॉइस जो है वो डिफरेंट होती है। वैसे आजकल आपको एक नया ट्रेंड बताऊँ, आजकल बॉक्स स्लीव्स भी चल रही हैं, जिस तरह बॉक्स ट्राउज़र चल रहे हैं ना, बॉक्स स्लीव्स भी चल रही हैं। वो किस तरह होती हैं? वो हाफ़ होती हैं, ठीक है, और थोड़ी सी मतलब चौड़ाई में बॉक्स की शेप में वो जो है ना स्लीव्स होती हैं, तो आप वो भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को हाफ स्लीव्स पहनना पसंद नहीं होता, तो खैर मैंने बताया कि ये भी आजकल ट्रेंड में काफ़ी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, और बाकी इसके ओवरऑल लुक भी देख लेते हैं। साइड्स में इस तरह से लेस वगैरह लगी हुई है, और ये जी फ्रंट में भी इस तरह से लेस और पाइपिंग। अच्छा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि आप सारे सूट्स पे लेस लगवा रही हैं, और ऑफ कोर्स जिस तरह से मुझे बताया जाएगा, जो डिमांड होगी वैसे ही स्टिच होंगे ना। और जिन सूट्स के ऊपर मैं अपनी खुद की डिज़ाइनिंग कर रही होती हूँ, वो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही होती हूँ। कुछ ये होता है कि कस्टमर की अपनी चॉइस भी होती है, ठीक है। और प्लस बहुत सारे लोगों को मॉडल जैसे ही चाहिए होते हैं, उनको वैसे ही पसंद आते हैं, तो फिर वैसे स्टिच करवाने पड़ते हैं। ओके, तो ये है जी इसका दुपट्टा। दुपट्टा जी कुछ इस तरह से है, दुपट्टे के चारों तरफ से पाइपिंग, लेस, और ये डिटेलिंग जो है इसके पल्लू वाली साइड से ये डिटेलिंग हुई हुई है, ठीक है। ये जी इसकी डिटेलिंग हो गई। चलें जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अच्छा जी, तो जो सूट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाए थे, वो मैंने पैक करके इस तरह से रख दिए हैं, ठीक है जी। और अब चलते हैं जी, देखते हैं कि मैं अब आपको कौन सा जो है वो सूट दिखाती हूँ। लेट्स जस्ट गो, यहाँ से पिक करते हैं ये वाला, ये सूट अब मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। तो चलें जी, इसे लेकर चलते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से जो है वो सूट दिखा सकूं। इस बार मैं थोड़ा वीडियो डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो से अब लोग मुझे लगता है बोर हो गए हैं। तो चलें। अच्छा, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा सूट। अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप हर सूट की तारीफ़ करती हैं, तो भाई अच्छा होता है तो तारीफ़ करती हूँ ना। अच्छा, ये देखें, ये लॉन का है, थ्री पीस है, अगेन ये है जी सना सफीनाज। आई थिंक ये माहे नहीं है, शायद ये मसलिन कलेक्शन में से है, अब मुझे कंफर्म नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक्चुअली बहुत मिक्सअप हो गए हैं सूट्स, तो मुझे तो लग रहा है मसलिन का है। खैर, इसकी नेकलाइन देखें, इस पर भाई से आपको बहुत शोर आ रहा होगा, आई एम सो सॉरी। अच्छा, इसकी नेकलाइन देखें, यहाँ पर ये टेसल्स लगाए हुए हैं, और ये कुछ छोटे छोटे से पैचेस हैं, ठीक है। इसकी वी शेप में है, थोड़ी सी वी भी नहीं है ये, थोड़ा मतलब वी नहीं है ये, कुछ और शेप है, वी टाइप कुछ शेप है। अच्छा, और ये इसके ओवरऑल लुक है, ये देखें इसके पैचेस कुछ इस तरह से लगे हुए हैं ये। और जी, ये मज़े की जो चीज़ है ना असल, वो ये है कि इसका दामन कुछ इस तरह से बना हुआ है, कट वर्क के साथ पर्ल्स, और ये फ्रंट और बैक से सेम आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। बैक साइड तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई पहले वाले की। अच्छा, इसकी दिखा देती हूँ, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है जी। और ये ट्राउज़र देखें कितना मज़े का लग रहा है,
ये ट्राउज़र है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं, तो मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ। ये जी मैं कह रही थी, ये स्क्रीनशॉट है, ये ट्राउज़र है। अच्छा, और ये जी इसका शिफॉन का दुपट्टा, पाइपिंग विद लेस। अच्छा, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप पाइपिंग लगवाएं ना लगवाएं, लेस लगवाएं या ना लगवाएं। खाली अगर पीको किया हुआ दुपट्टा हो तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एक इतनी सी लेस भी लगी हुई हो ना, तो वो भी दुपट्टे की लुक चेंज कर देती है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये लेस का कलर जो है वो दुपट्टे में से ही लिया हुआ है, सूट में से ही लिया हुआ है, तो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, अब वीडियो मुझे लगता है आज काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मैं प्लस बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गई थी, लाइट वगैरह जा रही थी, काफ़ी मसले मसाइल हो रखे थे इस वजह से। अच्छा जी, अब मैं इसे पैक कर दूँगी, ठीक है, और अब देखते हैं कि जी मैं आपको कौन सा जो है वो सूट दिखाती हूँ। तो चलें जी, जाहिर सी बात है अब सारे सूट तो नहीं दिखाऊँगी ना एक ही वीडियो में, तो जो है अब हम देखते हैं जी कौन सा ये वाला देख लेते हैं। ठीक है जी, ये शायद मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, लेकिन ये दोबारा तैयार कराया है मैंने। अच्छा, अभी मेरा स्टूडियो आप लोगों ने काफ़ी हद तक देख लिया होगा, ये अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। मैंने जस्ट जो है यहाँ पे सामान वगैरह ले आई हूँ, पर मैंने अभी तक पूरी तरह से सेट नहीं किया इसको। अच्छा, और जी ये रहा नेक्स्ट वन, ये भी अगेन सना सफीनाज से है, 3 पीस। और जी इसकी नेकलाइन देखें आप, जस्ट वाओ। डोरी भी बहुत अच्छी है, डोरी के अंदर भी पर्ल्स लगवाए हैं मैंने खुद से, ठीक है। और वरना प्लेन अक्सर डोरी इस तरह की प्लेन मिल रही होती है, तो इसमें पर्ल्स ऐड करवा दिए। अच्छा, और ये जिसकी स्लीव्स हैं, जो सना सफीनाज के मॉडल्स ने सूट पहने हुए होते हैं ना, ऑलमोस्ट उसी डिज़ाइनिंग के ही सूट्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि अच्छे भी लग रहे हैं, कैजुअल हैं ये सूट। ऑफ कोर्स आप इनको डेली बेसिस पर यूज़ करने वाले हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सना सफीनाज के जो ये जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच हैं वो अच्छे नहीं लगे, तो हाँ मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। कहीं कहीं पर इनके पैचेस कुछ सूट्स के बहुत ही रफ़ हैं, लाइक आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं हैं पैच इन्होंने जो दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक ये इशू आ रहा है, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप पैच लगवाएं या ना भी लगवाएं, तब भी अच्छा लग रहा है। आप सोचें अगर इस पर पैच ना लगाओ तो भी ये अच्छा ही लगेगा। एक छोटा सा गले का पैच दिया है, बट वो भी इतना रफ सा है। चलें अब देखते हैं जिसका ट्राउज़र, ये रहा ट्राउज़र। और ट्राउज़र पर भी अगेन हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग लाजमी होनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा लगता है। और जी ये दुपट्टा है इसका शिफॉन का, विद पाइपिंग एंड लेस, एंड लेस में छोटे छोटे से सीक्वेंस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत हिट आर्टिकल है जी, ये बहुत ज़्यादा इसकी बहुत डिमांड आई हुई थी। चलें जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अच्छा जी, तो ये रहा नेक्स्ट वन, इसकी नेकलाइन आप देख लें, कुछ इस तरह से है जी इसकी नेकलाइन, ठीक है। ये ऐसे आ रही है, एम्ब्रॉयडर्ड पैच और ये सारी डिटेलिंग्स, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो, ठीक है जी। और ये स्लीव्स, ओवरऑल ये लुक है जी सूट की। और जनाब ये ट्राउज़र, और जी ये है दुपट्टा, दुपट्टे पे ये लेस और पाइपिंग की डिटेलिंग्स हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अच्छा जी, तो ये रहा नेक्स्ट वन, और ये भी अगेन सना सफीनाज से है और 3 पीस है इसकी। जी नेकलाइन आप देख सकते हैं, इसकी मुझे नेकलाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें, डोरी और लूप्स के साथ, मतलब लूप्स के साथ डोरी को अटैच किया हुआ है, देन पर्ल्स हैं, एंड देन इसके इसका ये पैच है, ठीक है। और डोरी कुछ इस तरह से नीचे को आ रही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अब इस तरह से, आई होप सही से नज़र आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे मुझे कह भी रहे थे आप जल्दी से शेयर करें, क्योंकि हमने भी शॉपिंग कर रखी है। ऑफकोर्स इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी सना सफीनाज पे, तो सब ने ही ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग की हुई है, तो यहाँ से आपको स्टिचिंग आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये देखें जी, सूट के अंदर अपनी ही कलियाँ बनी हुई हैं, ज़रूरत ही नहीं है बनवाने की, मतलब सेंटर लेसेस लगवाने की, ऑलरेडी प्रिंट ही इस तरह का है इसका, ठीक है जी। अगेन ये भी इस तरह से आप अपनी मर्जी से ही लगवा सकते हैं कोई लेस, अगर स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं, वैसे अच्छी लग रही है,
ठीक है। और ये जी अगेन इसके साथ पैंट्स है, और जी लॉन का इसके साथ दुपट्टा विद पाइपिंग, ठीक है जी। आई थिंक अब मैं और सूट नहीं दिखाऊं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो गई होगी, क्योंकि मैं आपसे बातें भी साथ साथ कर रही थी और सूट्स भी दिखा रही थी। तो चलें जी वीडियो को अब हम कर लेते हैं यहीं पर एंड। बाकी के जो सूट्स हैं मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और अब कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। आई एम सो सॉरी, एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है मेरी कोई वीडियो नहीं आई, एम सो वेरी सॉरी। बस कुछ बिजी भी हो गई थी, कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी इस वजह से, और प्लस फैमिली में मतलब मेरे चाचू की डेथ भी हो गई थी, इस वजह से भी मैंने ऑफ लिया हुआ था, सो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो जी अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है, आपको सूट्स थोड़े से भी पसंद आए हैं, कोई भी एक आइडिया पसंद आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को उस बात की वजह से लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से वीडियो को बूस्ट मिलता है, आप लोगों से हमें यही हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। लाइक लाजमी कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो कर दीजिएगा। और जी अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, आगे बहुत मज़े मज़े की इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।